दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के हमारे स्पेशल रिपोर्ट में हम आपके सामने रूबरू करवा रहे हैं भोजपुरी हिंदी छत्तीसगढ़ी फिल्मों के हास्य अभिनेता गायक संजय महानंद। 10 वर्ष छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम करते करते इन्होंने कई हिट फिल्में जन भूलो माँ बापला, मया, महू दीवाना तहू दीवानी, दूलापड़ो, मिस्टर टेटकू, महू कुमारा तहू कुमारा, ये आदि इनकी मुख्य फिल्में हैं जो बड़ी हिट फिल्में रहीं। 2001 से 2020 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2010 में छत्तीसगढ़ी फिल्मों में मन रमने नहीं लगा। 2001 से 2010 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2010 में छत्तीसगढ़ी फिल्मों से इनका मन नहीं रम रहा था, काम भी कुछ कम मिलने लगा था। फिर इन्होंने निर्णय लिया कि मुंबई की तरफ जाने का रुख किया। इन्होंने अपने फैसले को महत्व दिया और 2012 में अपने स्टारडम को रायपुर के घर में ताला लगाकर शून्य से शुरुआत करने के लिए मुंबई आ गए। दृढ़ संकल्प कि अब अभिनय ही हमारा जीवन है, जिंदगी ही हमारा अभिनय है। मुंबई आकर इन्होंने स्ट्रगल आरंभ किया। कुछ दिनों बाद इन्हें प्रकाश जाके फिल्म में एक मौका मिला। फिल्म का नाम था चक्रव्यूह, बहुत बड़ा कैनवास। इस काम को करने का एक अलग अनुभव था। और सोचा शायद स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिंदगी के खेल को समझ पाना बहुत मुश्किल है। चक्रव्यूह फिल्म आई पर चली नहीं, इनके सारे सपने चकनाचूर हो गए, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे और जिंदगी के किए अपने फैसले पर अटल रहे। एक भोजपुरी फिल्म बन रही थी, वैसे तो ये फिल्म छत्तीसगढ़ी की सुपर हिट फिल्म थी, लैला टिप टॉप छैला अंगूठा छाप। इसके निर्माता इसी फिल्म को भोजपुरी में बना रहे थे। कुछ ऐसा संयोग हुआ, इस फिल्म में वही भूमिका करनी पड़ी जो इन्होंने छत्तीसगढ़ी में की थी। भोजपुरी फिल्मों का सफर तो शुरू हो गया था, एक मौका और मिला। फिल्म का नाम था निरहुआ हिंदुस्तानी। इस फिल्म में इन्होंने खूब दिल लगाकर काम किया और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सभी ने इनके काम को पसंद किया। ये अभिनय का जो की यात्रा जो भोजपुरी फिल्मों की शुरू हुई, ये सिलसिला चलता रहा और इस तरह से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक बेहतरीन कलाकार मिल गया। एक ऐसा बेहतरीन कलाकार कि 6 वर्षों में इसकी कला की पहचान हुई। 2020 में कलकत्ता में हुए भोजपुरी सिनेमा स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड में बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। संजय महानंद जैसे कलाकार किस्मत पे नहीं अपने मेहनत पे भरोसा करते हैं। अपनी मेहनत, अपनी रंगत, अपनी अभिनय, अपनी कला को एक नए रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इनका एक सपना है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को छत्तीसगढ़ की सरकार सहयोग करे। छत्तीसगढ़ी संस्कृति और उस कला का परचम पूरी दुनिया में लहराए। देखते हैं इनका सपना छत्तीसगढ़ सरकार कब पूरा करती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको अपने स्पेशल रिपोर्ट्स में संजय महानंद की यही की कहानी और उन्हीं की जुबानी हमने सुनाई है। मेरे प्रिय
मैंने सभी फिल्में उनकी की है, और एक फिल्म थी दो लखन, दो लखन जो उसमें एक कैरेक्टर जो मेरा था वो फनी था, वो हीरो ही था वो फिल्म था। और इन दोनों भोजपुरी में मैंने कुछ अच्छा अच्छा काम किया है। तो अभी ये गाना मैंने किया भोजपुरी में, रोमियो राजा फिल्म है। तो हालांकि ये कोरोना के चक्कर में वो फिल्म थोड़ा डैमेज हो गया, वरना उसमें मुझे एक गाना मिला था बहुत सुंदर, और 40-50 क्राउड के साथ एक डांसिंग सॉन्ग था मेरा, जो कि बड़ा फनी था। उसको देख के लोग भी कहने लगे थे कि हीरो क्या आप फिल्म। मैंने कहा भाई मैं हीरो नहीं हूँ, फिल्म में दिनेश जी इस फिल्म के हीरो हैं, बट ये गाना मेरा हुआ है तो बिल्कुल आपको लगेगा कि अच्छा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको तो हीरो भी बनना चाहिए। मैंने कहा भाई जब तक कॉमेडी में दुकानदारी चल रही चलने लगे, जैसे हीरो बनना सोचूंगा तो लोग लेना बंद कर। जब भी ऐसा अवसर आएगा तो हम जरूर करेंगे, बाकी वो गाना जब भी आएगा तो आप जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। इस लॉकडाउन के समय में आप क्या कर रहे हैं? देखिए मैं भी एक आम इंसान ही हूँ, सब कहते हैं कि स्टार्स क्या करते हैं घर में रहकर, तो मुझे लगता है कि मैं स्टार नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ। आप जैसे बहुत नीचे से उठती है अभिनय से, अभिनय के माध्यम से इज्जत कमाने की कोशिश की और पाया, आप सबने बहुत प्यार दिया। आज भी मैं अपने आप को जमीन का ही आदमी हूँ, आप जैसे ही समझता हूँ एक आम आदमी। मेरे भी दिनचर्या, मेरी भी दिनचर्या, मेरा भी लाइफ स्टाइल आप जैसा ही है, सबका वैसे ही है। तो लॉकडाउन में मैं भी परिवार के साथ ही रहा और अभी भी हूँ, और बहुत इंजॉय किया एक महीने तक। एक महीने तक हम लोगों ने टाइम बिताया क्योंकि हम शूटिंग में बाहर रहते थे हमेशा, इस दौरान परिवार के साथ जो रहने का अवसर मिला, टाइम की जिम्मेदारियों को समझने का अवसर मिला, बहुत मज़ा आया। रोज सुबह शाम में चाय बनाकर पिलाता हूँ, चीज़ें होती थी बना पिलाता हूँ, तो हमने खूब इन्जॉय किया घर में। एक महीने बाद फिर मुझे महसूस हुआ कि अब हम क्या होगा, क्योंकि ये इन्जॉयमेंट थोड़े दिनों तक बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आगे काम नहीं चलेगा, रोजगार नहीं होगा लोगों का, तो क्या होगा, क्योंकि हम लोगों की शूटिंग भी बंद है, सब बंद है, तो हम लोग इसी पर डिपेंड है। अब चिंता करने की बात तो है, लेकिन कुछ रास्ता निकालने में, और इस खाली समय का मैंने सदुपयोग करते हुए अपना एक चैनल बनाया है, संजय मानंद टैलेंट फैक्ट्री के नाम से यूट्यूब चैनल है। उसमें मैं कुछ ना कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ, बिजी रहने के लिए, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए भी, और आप सबको मनोरंजन करता रहूँ इस उद्देश्य से भी। तो मेरा पहला गाना आया है सपनों का संसार, उसको जैसे मैंने गाकर सुनाया आपको, तो वो भी जरूर देखिएगा सुनिएगा। और सेकंड भी मेरा आ चुका है, आज 30 तारीख को मेरा सेकंड वो आया है वीडियो, जो कि एक छोटा सा नाटक है और बहुत अच्छा संदेशात्मक है, हम कैसे सेल्फ डिपेंड हो, तो उसका नाम ही है सेल्फ मेड गोधन। तो एक सीरीज में हमने शुरू किया है बोले क्या गोधना के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसको जरूर देखिएगा। इन सब चीज़ों में व्यस्त हूँ, बस जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और काम शुरू होगा तो फिर मैं आपके लिए फिल्मों का एक सौगात लेकर आऊँ। मैंने कहा कि मैं इन दिनों अपने यूट्यूब चैनल को ही आगे बढ़ाने में लगा हूँ, तो खाली बैठे क्या करें, कुछ ना कुछ काम तो करते रहना पड़ेगा, ताकि जंग ना लगे, अपनी कलाकारी की जो धार है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और लोगों का मनोरंजन भी करते रहें घर बैठे। तो हमने एक चैनल बनाया है, पहले बताया संजय मानंद टैलेंट फैक्ट्री, जिन्होंने नहीं देखा है वो जल्दी से जल्दी उस नाम पर क्लिक करें और मेरा गाना देखें। तो सपनों का संसार मेरा पहला वीडियो है, और ऑडियो है, सिंगिंग किया है मैंने, और मैं बतौर सिंगर आया था इस लाइन में, लेकिन अभिनय में रम गया। तो कहते हैं कि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, तो इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में मुझे फिर से मेरे सिंगिंग को जागृत करने का अवसर मिला है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की जो भावनाएं हैं, इन दिनों जो लोग पलायन कर रहे हैं, हमारे जो भाई मजदूर हैं दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता हर जगह से लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, उन सबको देखते देखते मन में कुछ भावनाएं उमड़ी, तो कुछ रचना करके मैंने सोचा कि इसको गाऊं, और सपनों का संसार मैंने गाया है। आप सब देखें बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, और मैं लगातार एक एक करके अपने गाने लाते रहूँगा। इस दौरान 4-5 गाने मैंने इसी मूड के लिए लिखा है, सपनों का संसार जैसा कि लोग हमारे प्लान कर रहे हैं, गाँव से पिछले गाँव जाते हैं, शहर जाते हैं, क्या हुआ फिर वापस आ रहे हैं, तो कहाँ सुख मिला क्या नहीं मिला, उन सब चीज़ों को लेकर मैंने लिखना शुरू किया है। तो 4-5 गाने अभी तैयार हुए हैं, तो चुप करके मैं लाता रहूँगा, लेकिन सपनों का संसार जरूर देखिएगा, जिसके प्यार बोल है। मैं तो मेरे सपनों का संसार बसाने निकला था, अपने बीवी
बच्चों की मैं बताने निकला ज्यादा के लालच में सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकला था पर समय बतला रहा कि मैं पाल कर निकला था। ऐसा ही होता है हम अपने सपने लेकर आए थे कि बस आप सबसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल पर जाए गाने को देखे संजय मानव चैनल पर सपनों का संसार देखें बस पे नया नया कंटेंट आ रहा है उसको देखते रहिए और एक और आया है सेल्फ मेड ब्रदर उसको भी देखिए। अभिनय की शुरुआत तो यूँ कह लीजिए कि जन्म से हो गई क्योंकि मुझे मेरे पिताजी से मुझे ये मिला है। पिताजी अभिनेता रहे हैं सिंगर रहे हैं रंगकर्मी रहे हैं तो उनको 5 साल की उम्र से ही मैंने अभिनय करके देखा है। गाते थे मेरे छोटे भाई पहले तो मैं उनका गाना सुना करता था बचपन से ही वो चीज़ें अंदर आ गई थी और तब से ही एक अच्छे सिंगर और अच्छा एक्टर बनना है सोच लिया था। कलाकारी में कुछ करना है ये दिमाग में आ गया था और सिनेमा में आऊँगा या एक्टर बनूंगा उन्हें सोचा था सिंगर बनना है मैं जरूर सोचा था और बस गाता रहता था जब भी चित्रहार देखता था उसके गाने गाते रहता था फिल्मों के गाने याद रहते थे गाता रहता था। 1995-96 में मेरे एक मित्र हैं उन्होंने कहा कि भाई आप अच्छा गाते हो जाके कहीं सीखिए तो नाट्यशाला रायपुर में हमारे गुरु जी हैं संजय मैथिल जी उनकी संस्था है रंगमंच की तो रंगमंच से जुड़ा नाट्य मंच से जुड़ा और तब से अभिनय की शुरुआत हुई और फिर अभिनय में ऐसा आरम्भ किया कि फिर सिंगिंग धीरे धीरे छूटता गया सिंगिंग भी करता रहा लेकिन फिल्मों का जब दौर आया तो फिर मैं फुल टाइम एक्टिंग ही करने में बिजी हो गया और इसी में करियर बनाने में व्यस्त हो गया तो बहुत लंबा सफ़र रहा है उसको संक्षिप्त में बता पाना बड़ा मुश्किल है भाई बड़ी दिक्कत की बात है लेकिन ये समझ लीजिए कि 96-97 से मैंने अभिनय की शुरुआत की और लगातार सीख रहा हूँ आज भी कोशिश करता हूँ कि रंगमंच में कुछ सीखूँ अपने कुछ जूनियर आर्टिस्ट हैं जूनियर लोग हैं कुछ सीनियर हैं सबसे कोशिश करता हूँ कि सीखता रहूँ और सीखने की प्रक्रिया में मुझे लगता है कि हमेशा जारी है। नमस्कार मैं आप सबका संजय महानंद आप सबका गुना आप सबका रिंता आप सबने जो इतना प्यार दिया है मुझे उसके लिए तहे दिल से मैं आप सबका आभारी हूँ। आप सबने मेरे से सभी फिल्मों को बहुत प्यार से देखा है और हमेशा प्यार बनाए रखते हैं ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मैं अपने दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा इस समय में इस कोरोना काल के समय में कि आप सब घबराए नहीं चिंतित ना हो हम सब इस बीमारी से जीत जाएंगे और ठीक है थोड़ा समय लग रहा है कठिनाई थोड़ा समय है 2 महीने से ऊपर हो गया और जीवन यापन की भी समस्या है रोजी रोजगार की समस्या वो भी जरूरी है बस ये है कि मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारी से बचने का अभी तक जो रास्ता समझ में आ रहा है कि सावधानियाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे कि हमें मुँह बांध करके रखना है और सैनिटाइज करना है हाथ को सैनिटाइजर से हाथ धोते रहना है हमें 20 सेकंड तक अच्छे से और भीड़ भाड़ जगहों में ज़्यादा नहीं जाना है अगर ज़रूरत ना हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो ना जाए ज़रूरी सामान हो तो जाएं और दूरी बना के रखें लोगों से और बस बच के रहें यही मैं कहना चाहूँगा बाहरी जगह में थूके नहीं ना ही ऐसी चीज़ों को छूएं जिससे आपको डाउट हो तो आप बच के रहेंगे घर में रहें सुरक्षित रहें। हमेशा हमारे दर्शक और खासकर हमारे मीडिया वाले मित्र सभी कहते हैं कि कोई डायलॉग सुनाइए आप तो मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं फिल्म करने के बाद डायलॉग भूल जाता हूँ वो शायद इसलिए कि मेरी तैयारी जो थी थिएटर में हम लोगों ने सीखा है कि हर काम को करने के बाद उतना ही याद रखे जितना जरूरी है वरना भूल जाए ताकि जब तक आप पुरानी चीज़ भूलोगे नहीं तो नई चीज़ आप कर नहीं पाओगे इसलिए मैं भूल जाता हूँ कुछ चीज़ें हैं आपको चाहे तो मैं गाना सुना देता हूँ क्योंकि इन दिनों मुझे गाने का बहुत अवसर मिल रहा है शुरू से ही मुझे गाने का रहा है क्योंकि मैं सिंगर बनने आया था इसकी सभी बातें बात करेंगे तो अभी मेरा एक गाना YouTube में रिलीज हुआ है मेरे YouTube चैनल से संजय मानव टैलेंट फैक्ट्री उसको जरूर देखिएगा क्लिक करके बहुत अच्छा है हमारे जो पलायन कर रहे हैं हमारे सभी अपने लोग हैं हमारे मजदूर साथी हैं उन सबको लेके मन में एक भावना आई तो उसको मैंने सोच के देख के लिखा है उसको जरूर देखिएगा। तो मेरे सपनों का संसार बसाने निकला था अपने भूखे बच्चों की
ज्यादा के लालच में सब कुछ छोड़ कर निकला था। वक्त ये बतला रहा कि मैं ब्रह्म पाल कर निकला था। अपने झूठे सपनों का संसार बसाने निकला था। बस ऐसी गाना सुनते रहिए। थैंक यू, आप सब हमेशा मुझे प्यार देते रहे हैं। आप सब हमेशा अपने संजय महानंद, अपने गुरुजना को ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। हम आते रहेंगे आप सबके लिए। थैंक यू। हम अपने स्पेशल रिपोर्ट में महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य से रूबरू करवाएंगे। तब तक देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। हमारे साथ बने रहिए। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।